चलिए वक्त है हमारी इस बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट का। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सवी जो ईशान पर हमेशा भरोसा करती है, आज उसी ईशान ने सवी पर भद्दा इल्जाम लगा दिया है जिसकी उम्मीद सवी को कभी नहीं थी। ईशान ने सवी को कहा कि उसका और एसीपी बाजीराव के बीच में कुछ चल रहा है। तुम्हारे और बाजीराव के बीच में कुछ चल रहा है ना? ये सुनकर सवी हैरान हो जाती है। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? लगता है रीवा के आने के बाद ईशान बौखला गया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे किस तरह से हैंडल किया जाए, इसलिए तो सभी से ऐसा बेतुका सवाल पूछ बैठा। के बीच में कुछ चल रहा है ना? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। पापा अनुपमा, डिम्पी के साथ आने के लिए थैंक्स, मैं भी आ सकता हूँ। शो अनुपमा में अब वनराज शाह की एंट्री हो गई है, लेकिन अनुपमा की एंट्री पर अब ताला लग चुका है क्योंकि वनराज ने अब सीधे सीधे अनुपमा को कह दिया है कि शाह परिवार से अब रिश्ता कम कर ले। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शाह हाउस में आना जाना, बाबूजी से मिलना कम कर। ये सुनने के बाद अनुपमा को जोर का झटका धीरे से लगता है। बाबूजी से मिलना कम कर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है तेरी मेरी डोरिया। क्या आप मेरी तस्वीर बना सकती है मुझसे बिना मिले? साहिबा को अभी सनी नाम की मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि अब एक और शख्स उसकी जिंदगी में लौट आया है। ये कोई और नहीं बल्कि गैरी है। या फिर मुझसे मिलने की तमन्ना है। अब साहिबा के लिए एक नहीं बल्कि डबल चैलेंज आ गया है कि कैसे सनी और गैरी नाम की मुसीबत से छुटकारा पाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमने लगी है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम। इमली और अगस्त के फैंस का इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि अब दोनों के बीच बहुत जल्द रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त ने आज पहली बार इमली को प्रपोज किया है, वो भी शादी के लिए। मुझसे शादी करोगे? अगस्त और इमली की नोकझोंक तो काफी हो चुकी थी जिसके कारण इनके रिश्तों के बीच कुछ नयापन अब देखने को मिलने वाला है, और ये कहा जा सकता है कि इमली की जिंदगी में अब बहार आने वाली है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।